हेलो फ्रेंड, धीरज कुमार इज हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिकॉन फिटनेस। और आज हमारे योगा का पांचवा दिन है, यानी डे 5 है, जो हमारा 15 डेज का प्रोग्राम है फॉर कोविड रिकवरी के लिए। तो आज पांचवा दिन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन पोज से। आपको खड़े रहना है इस पोज में और इनहेल इनहेल करना है। फिर हम करेंगे अपना हाथ को पकड़ेंगे और फिर स्ट्रेच करेंगे, साइड स्ट्रेच। ये स्ट्रेच दोनों साइड से आपको करना है। फिर दोनों हाथ को ऊपर करेंगे और फिर बैक बेंड करेंगे, यानी बॉडी को पीछे की तरफ करेंगे और एक जेल इनहेल मतलब सांस लेते रहेंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे की तरफ बेंड करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, आपको हिप को बैक करते हुए जाना है और बैक को आर्च रखना है, यानी बैक को डाउन नहीं करना है, बैक आर्च रखना है, चेस्ट आउट रखना है। फिर हम दोनों हाथ को फोल्ड करेंगे, फिर फोल्ड करके ट्विस्ट करेंगे दोनों साइड। फिर दोनों हाथ को नीचे बेड पे रखेंगे, फिर से ये पोजीशन में आएंगे और फिर एक पैर को ऊपर करेंगे। पैर को ऊपर करना है यानी टोज पे आना है। फिर से काफ को स्ट्रेच करेंगे। आप देख रहे हो टो आगे पीछे हो रहा है, यानी काफ का स्ट्रेच हो रहा है। फिर एक पैर को ऊपर ले जाएंगे और उसके अपोजिट साइड हाथ को ऊपर ले जाएंगे और इस पोज में होल्ड में रहना है। फिर हम दोनों साइड करेंगे, यानी उस साइड सब करेंगे, उस पैर को ऊपर करेंगे। काफ पर स्ट्रेच करेंगे। पैर को ऊपर करेंगे और इस हाथ को ऊपर करेंगे और इस पोजीशन पर होल्ड रहेंगे। पैर को नीचे करेंगे और उस हाथ को ऊपर करेंगे और फिर उस साइड ट्विस्ट करेंगे और होल्ड करेंगे इस पोजीशन पर।
अभी इस साइड से करेंगे, उस हाथ को ऊपर करेंगे, ट्विस्ट करके होल्ड करेंगे। फिर हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे, यानी आगे की तरफ बेंड करेंगे, अपने हील से हिप को टच करके बैठ जाएंगे और आगे की तरफ बेंड करेंगे, इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। आपको एक झेल इनहेल करते रहना, यानी हर पोज में आपको सांस लेते रहना फिर छोड़ते रहना है। फिर हम हिप को ऊपर रखेंगे और आगे की तरफ बेंड हो जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना, आपका बैक आर्च होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे और सांस को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। नेक्स्ट हम आगे की तरफ जाएंगे और एल्बो को नीचे टच रखेंगे और फिर स्ट्रेट ऊपर आएंगे। अब एल्बो को ऊपर कर लेंगे और अपने हैंड पे आ जाएंगे, यानी पाम पे ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है, फिर आपको ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है। आप ऊपर जाओगे तो इनहेल करना है और नीचे जाओगे तो एक्सहेल करना है। फिर आपको हिप को ऊपर करके आगे की तरफ बेंड करना है, फिर आपको आर्च करना है, यानी आपको कमर को आगे ले जाना है, फिर पीछे लाना है, फिर आगे ले जाना है, फिर पीछे लाना है। नीचे सो जाना है और एक हाथ को आगे तरफ ऐसे करना है, होल्ड रहना है, एक्सहेल इनहेल करते रहना है और दोनों साइड से आपको ऐसे करना है। अब आपको ऊपर की तरफ आना है, स्ट्रेट पैर को रखना है, पैर को धीरे धीरे आगे लाना है जितना आप हो सके। फिर आपको नी बेंड करते हुए आगे पीछे करना है। आपको ऐसे बैठ जाना है, शोल्डर को अप एंड डाउन करना है, शोल्डर रोटेट करना है।
फिर नेक्स्ट नेक्स्ट को रोटेशन करना है। फिर नेक को अप एंड डाउन करना है। फिर दोनों हाथ को ऊपर करना है और रिस्ट को पकड़ के लेफ्ट साइड बेंड होना है। फिर रिस्ट से राइट साइड बेंड होना है लेफ्ट साइड को पकड़ के। फिर आपको ट्विस्ट करना है। दोनों साइड से आपको ऐसे ट्विस्ट करना है और होल्ड रहना है। एक नेल ही नेल आपको करते रहना है धीमी धीमी। फिर आपको इस पोजीशन में फिंगर को करना है। फिर लेफ्ट राइट साइड के नोज को बंद करना है और इनहेल लेना है यानी सांस लेना है। फिर दोनों नाक को बंद करना है, होल्ड करना है। फिर राइट नोज से आपको सांस छोड़ना है और फिर लेना है और फिर दोनों नोज को बंद करना है। फिर लेफ्ट साइड के नोज से आपको सांस छोड़ना है, फिर सांस को लेना है और फिर बंद करना है। इसी तरह आपको रिपीट करना है। इससे आपका ब्रीथिंग स्किल यानी ब्रीथिंग का पावर बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है। तो ये था हमारा आज का 5वां डे का योगा। तो आप तो प्लीज़ ज्वाइन करें। तब तक के लिए बम्बई, टेक केयर।